गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम लोग देखेंगे एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन मेथड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले देखेंगे। देखो, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन मेथड में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है और पल्स टाइम मॉड्यूलेशन होता है। तो पहले तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख देंगे कि एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन कितने तरीके के होते हैं और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या पल्स टाइम मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। फिर आज हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले जब एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन मेथड बता रहे होंगे तो उसमें ही हम लोग पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हल्का सा बता देंगे, फिर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में भी आज के इसी लेक्चर में ही आपको बताएंगे। फिर उसमें हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दो तरीके से सैम्पलिंग करते हैं, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, इनके बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि बैंडविड्थ कितनी लगती है एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेजने में, ठीक है। उसके बारे में बैंडविड्थ स्पेसिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस लेक्चर में, तो आप लोग देखना शुरू करो और कहीं से जाइए ना, छोड़ के मत जाना ये लेक्चर, ये मत सोचना कि भाई बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो शुरू करो, देखते हैं आज का एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन मेथड। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन मेथड, देखो इस पल्स मॉड्यूलेशन मेथड में क्या होता है, जितने भी पल्स मॉड्यूलेशन मेथड्स हैं उनमें आपका जो कैरियर होता है, अभी तक हम लोगों ने साइन वेव लेते थे, साइन का मतलब साइनोसॉइडल है, तो अभी तक हम लोगों ने एक साइनोसॉइडल वेव लेते थे, उसकी हम लोग क्या कर रहे होते थे, कभी एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे होते थे, कभी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते थे, है ना, कभी फेज चेंज कर रहे होते थे, इस तरीके के काम कर रहे होते थे उसमें, ठीक है। अब जो हमारा जो कैरियर है वो साइनोसॉइडल नहीं है, एक पल्स की ट्रेन है। पल्स की ट्रेन किस तरीके से दिखती है, पल्स की ट्रेन देखो इस तरीके से दिखेगी आपकी, ये आपकी समझ लो टाइम एक्सिस है, कुछ इस तरीके की पल्स। अरे सीधी सीधी बन नहीं रही है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको आइडिया मिल गया होगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं तो सीधी सीधी नहीं बन रही है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो पल्स की ट्रेन और इंस्टेड ऑफ दिस सिग्नल, पहले हम लोग क्या यूज करते थे, साइनोसॉइडल सिग्नल, इस तरीके का सिग्नल यूज कर रहे होते थे, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है तो कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पल्स की ट्रेन यूज कर रहे हैं इस साइनोसॉइडल सिग्नल की जगह पे, इस साइनोसॉइडल सिग्नल की जगह पे हम लोग पल्स ट्रेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें भी कुछ पैरामीटर चेंज करते थे कैरियर के, इसमें भी पल्स ट्रेन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसके भी कुछ पैरामीटर चेंज करेंगे। जैसे उसमें आपके साइनोसॉइडल जो कैरियर होता था तो उसके कुछ पैरामीटर चेंज करके अलग अलग तरीके के मॉड्यूलेशन बन जाते थे, है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, है ना। वैसे ही यहाँ भी हम लोग इसके अब पल्स के पैरामीटर्स चेंज करेंगे, तो उसमें
उसके भी अलग अलग तरीके के मॉड्यूलेशन बन जाएंगे। अब जो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन मेथड होते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी हम लोग इसका एम्पलीट्यूड नैसा सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जो पल्स अभी कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड के हैं, सारी कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड की पल्सेज हैं, ठीक है। अब इसका क्या करा हम लोगों ने, इसका एम्पलीट्यूड हमने मैसा सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि टाइम को चेंज करते हैं। अब टाइम में भी चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो हम पल्स की विड्थ को चेंज करें या तो पल्स की पोजीशन को चेंज करें, ठीक है। अभी आप हर तरीके की चीजें देखोगे तो पहला हम लोग का ये है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करा जाता है कि हमारा जो पल्स ट्रेन है उसका एम्पलीट्यूड को चेंज करा जाता है। और अभी आप जैसे ये पल्स ट्रेन देख रहे होगे तो इसमें एक टाइम पीरियड जैसे इतना बड़ा है ना, उसमें ऑन टाइम भी जितना है उतना ही ऑफ टाइम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पल्स ट्रेन में जितनी भी पल्सेस हो सबका ऑन टाइम और ऑफ टाइम बराबर हो। एक ऐसी भी पल्स ट्रेन ले सकते हैं जिसका ऑन टाइम छोटा और ऑफ टाइम ज़्यादा बड़ा, ऐसी भी पल्स ट्रेन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड पूरा हो गया आपका इस पल्स ट्रेन का, ठीक, और ये उसका ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है, मतलब बस खाली बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये उसका भी अभी उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो पल्स के जो मैग्नीट्यूड या जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। इसमें पल्स की जो टाइम है उसको चेंज, पल्स का जो टाइम है उसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो पल्स की विड्थ को चेंज करो या तो पल्स की पोजीशन को चेंज करो। अब वो सब चीजें हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है, ठीक। जैसे कि एक हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है, ठीक, और हमने जैसे कि इसका सैम्पलिंग टाइम TS है, एज ए गेस हमने कर लिया कि इसका सैम्पलिंग टाइम कैसे निकालोगे। हमने सैम्पलिंग अभी इससे पहले हम लोगों ने सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ा है, उसी से यूज करके सैम्पलिंग टाइम बना लेंगे। TS क्या होता है, मस्ट बी स्मॉलर देन या इक्वल टू 1/2W, या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2W, इससे हमारा सैम्पलिंग टाइम पीरियड निकल आता है। तो सैम्पलिंग टाइम हम लोगों ने निकाल लेते हैं, तो सैम्पलिंग हर एक सैम्पलिंग टाइम एक बार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो हर एक सैम्पलिंग टाइम पे एक पल्स लगा दी, उसका कुछ ऑन टाइम होगा कुछ ऑफ टाइम होगा। मतलब ये समझ लो इस जो कैपिटल टी है वो एक इसका ऑन टाइम है केवल, ठीक है। अगर हम देखें कि पूरा टाइम पीरियड, देखें हर एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच का जो टाइम है वो कितना है, TS, सैम्पलिंग टाइम के हिसाब से हम लोग रखते हैं। पल्स के बीच दो बगल बगल वाली पल्स के बीच का जो टाइम है वो हम लोग किसके हिसाब से रखते हैं, वो हम लोग रखते हैं सैम्पलिंग टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। और जो ये जो कैपिटल टी है वो क्या डिनोट कर रहा है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है मैं पूरा लेक्चर दूंगा। मतलब TS का मतलब सैम्पलिंग टाइम पीरियड हम लोगों ने किसके हिसाब से बनाया होगा, इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग बनाया होगा, सैम्पलिंग थ्योरम का यूज करके बनाया होगा, ठीक है। एक बार सैम्पलिंग थ्योरम का हम लोगों ने यूज कर लिया, सैम्पलिंग टाइम डिसाइड कर लिया, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से पल्स की ट्रेन बनाई होगी, ठीक है। अब पल्स की ट्रेन बनाई होगी तो आप देखो इस तरीके से पल्स की ट्रेन आई होगी, पल्स की ट्रेन सबका कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड ऐसे रहा होगा पल्स की ट्रेन में, सबका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट टाइम पीरियड का मतलब एक पल्स से दूसरे पल्स के बीच का टाइम पीरियड कांस्टेंट है, मतलब कि वो कितना है, सैम्पलिंग टाइम पीरियड है। ऑन टाइम जितनी भी पल्स अभी हम लोगों ने लिए वो हम लोग उसको कैपिटल टी से नोट कर रहे हैं। ऑन टाइम अभी शुरुआत में सबका कॉन्स्टेंट था, सबका ऑन टाइम शुरुआत में कॉन्स्टेंट था, जितनी भी पल्सेस थी सबका शुरुआत में ऑन टाइम कॉन्स्टेंट था, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल पल्स ट्रेन रही होगी जो हम लोगों ने यूज करी होगी। इसको भी आप बना लो, मतलब अभी इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देना एम्पलीट्यूड, लेकिन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के बनाना सारी अपनी कॉपी में, ठीक है। एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब एक बीच में
ये बना लो कि इस तरीके की हम लोगों ने पल्स ट्रेन ली होगी, जिन जिनमें बीच में हमारा सैंपल एक पल्स से दूसरी पल्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो सैंपलिंग टाइम पीरियड है, और जो इसका हर एक पल्स है उसका जो ऑन टाइम है वो हम लोगों ने कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। पूरी लेक्चर में कैपिटल टी से डिनोट करने वाले ऑन टाइम को, और एक पल्स से दूसरे पल्स के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग सैंपलिंग टाइम पीरियड से डिनोट करेंगे। इस तरीके की हम लोगों ने पल्स ट्रेन ली होगी। फिर हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है, तो अब हमें इस पल्स के एम्पलीट्यूड को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू हमारे ये जो मैसेज सिग्नल है इसके अकॉर्डिंग। हम लोगों ने पल्स ट्रेन हमें मिल गई, हमें हमें क्या मिल गया, ये मैसेज सिग्नल मिल गया। अब हमें इसके इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें इस पल्स का एम्पलीट्यूड को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, तो हमारा क्या हो जाएगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो वही चीज हम लोगों ने इस डायग्राम में बनाई है, मैं इसको दिखा दे रहा हूं एक बार। एक जो हमारी पल्स ट्रेन थी जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, है ना, उसका हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को चेंज करने लगे अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। देखो जब जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है तो इसका जो पल्स है उसका भी एम्पलीट्यूड कम है, और जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो पल्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड फिर कम हो रहा है तो फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, और फिर यहाँ जो निगेटिव जा रहा है तो और कम हो जा रहा है, इससे भी कम हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा पैम सिग्नल है, तो पैम सिग्नल में क्या होता है कि हमारी जो पल्स एक की जो इसमें जो पल्सेस जा रही होती हैं, होती तो ये सारी पल्सेस ही हैं, है ना, तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब यार एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन डालना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि नॉइज भी हमारे एम्पलीट्यूड में ही ऐड होती है ना। तो और तरीके की भी मॉड्यूलेशन बने, एक बना पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में क्या भाई होता है, उसके दो तरीके हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बहुत आसान है, पहले जितनी भी पल्सेस थी सबका हम लोगों ने ये एक पल्स और दूसरे पल्स के बीच में जो टाइम पीरियड है वो टी एस से में डिनोट करना है, याद रखना, है ना। अभी जो पहले जितनी भी पल्सेस थी सबका टाइम पीरियड कैपिटल टी था, है ना, सबका सबकी विथ जो थी वो कैपिटल टी के हिसाब से मैंने रखी थी, ऐसा मैंने बोला था कि इस कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और एक पल्स से दूसरे पल्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग टी एस से डिनोट करेंगे। अब ये जो कैपिटल टी जो सबकी विथ बराबर बराबर थी, शुरुआत में जो हम लोगों ने पल्स लिए उसका विथ और एम्पलीट्यूड सब बराबर था, अगर हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है तो सबका एम्पलीट्यूड चेंज करते रहे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, अगर हमें पल्स विथ मॉड्यूलेशन चेंज करना है तो हम लोग इस पल्सेस की विथ को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू किसके, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। अब मैसेज सिग्नल हमारा देखो जब यहां पे ज्यादा हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो यहां पे देखो कि इसकी विथ भी बहुत ज्यादा है ना, और यहाँ पे देखो कम होगी विथ, है ना, और जब यहाँ पे निगेटिव जा रहा है तो और कम हो गई, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सबकी विथ जो थी पहले सबकी विथ हम लोगों ने कैपिटल टी कांस्टेंट ली थी, अब सबकी विथ अलग अलग हो गई है, इसकी कुछ टी वन है, इसकी कुछ टी टी के है, इसकी कुछ मतलब इस तरीके से अलग अलग विथ हो गई है ना। तो अब देख रहे होंगे कि पल्स की जो विथ है वो अलग अलग हो जा रही है, तो ये इस तरीके से जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हम लोगों ने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करा है। नेक्स्ट चीज है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करेंगे कि पल्स की पोजीशन चेंज करेंगे। देखो सैंपलिंग इंस्टेंट हमारे ये थे, देखो सैंपलिंग टाइम पीरियड ये था, और हम लोगों ने जितनी भी पल्स ली थी वो सारी की सारी इन सैंपलिंग टाइम पीरियड के बिल्कुल बीचों बीच थी, ठीक है, याद है ना, इन सैंपलिंग टाइम पीरियड के बिल्कुल बीचों बीच थी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सैंपलिंग टाइम पीरियड, जैसे ये सैंपलिंग टाइम पीरियड है, इसके बीच में हम लोग कहीं भी पल्स को रख सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो जैसे कि जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, तो पल्स की पोजीशन यहां से शुरू हुई, पल्स यहां पे खत्म हुई, जब एम्पलीट्यूड कम है तो पल्स जो है बहुत पहले से ही शुरू हो गई और सैंपलिंग टाइम पीरियड के आते आते खत्म हो गई,
है ना सैम्पलिंग इंस्टेंट आने के, और वैसे ही जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब कि कुल मिला के जो हमारा टाइम पीरियड है टीएस है ना, हम लोगों ने लिया था कि टीएस टाइम पीरियड हमें रखना है ना, वो टीएस टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो रहा है। एक पल्स और जो दूसरे पल्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, कभी ज्यादा है कभी कम है। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में दो पल्सेस के बीच का टाइम पीरियड चेंज होता है, ठीक, दो पल्सेस के बीच का जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता है, वो अब कांस्टेंट नहीं रह गया ये टीएस। जैसे हम लोगों ने पल्स ट्रेन ली थी तो हम लोगों ने सब जितनी भी पल्सेस, दो पल्सेस जितनी, अगर आप ये दो पल्स ले लो इनके बीच का टाइम पीरियड टीएस, इन दो ये दो पल्स ले लो तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड सैम्पलिंग टाइम, मतलब टीएस से ही मैं डिनोट कर रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सैम्पलिंग टाइम पीरियड या कोई भी टाइम पीरियड है ना, बस खाली टीएस से डिनोट कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीजें जो थी, ये चीजें टीएस और इसमें इसके इसके बीच में भी जितना था, इसके और इसके इसके बीच में भी जितना था, इसके इसके बीच में भी उतना ही है। और जब हम लोगों ने पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन कर दिया तो वो पोजिशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। वो अभी आप लोगों को समझ, ये पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वो अभी हम लोग जब डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो पूरा आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए पल्स विथ मॉड्यूलेशन, बस खाली आज के लिए बस इतना ही है, मतलब इस लेक्चर में बस इतना ही आपको समझना है कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, विथ चेंज करते हैं, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन में हम लोग पल्स की पोजिशन को चेंज करते हैं। तो उन दो पल्सेस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, है ना। और आपका क्या होता है, और नेक्स्ट चीज क्या होती है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में पल्सेस की विथ चेंज होती है, पल्सेस की विथ चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पल्सेस के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ये चीजें आपको अभी आज के लिए बस इतना ही समझना है, एक छोटा सा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। अब हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पल्स टाइम मॉड्यूलेशन और में, जिसमें हम लोग ये दोनों तरीके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। आज आपको हल्का सा आइडिया हो गया कि पल्स टाइम मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन में क्या होता है, और पल्स पोजीशन, पल्स पोजीशन में पोजीशन चेंज होती है, और पल्स विद मॉड्यूलेशन में पल्स की विद चेंज होती है, ठीक है, ओके। और ये दोनों हमारे हैं क्या, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, क्योंकि इन दोनों में हमारा टाइम चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और तो कुछ बताने वाला नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग शुरू करें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में। चलिए एम्पलीट्यूड देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है रेगुलरली स्पेस रेक्टेंगुलर पल्सेस का वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। और विथ और पोजीशन जो होती है पल्स की वो रिमेन अनचेंज होती है, वो हमारी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो जब विथ चेंज होती है तो उसको बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको कहते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। लेकिन जब हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं तो विथ और पोजीशन हमारी अनचेंज रहती है, ठीक है। इसमें हम लोग दो तरीके से सैम्पलिंग करते हैं जिससे कि हमारा पीएएम सिग्नल बनता है, एक होता है नेचुरल सैम्पलिंग, एक होती है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। बस इसी से ही हमारा पूरा पैम सिग्नल डिस्क्राइब होगा कि हम लोग दो तरीके की जो सैम्पलिंग करेंगे, कौन कौन, एक नेचुरल सैम्पलिंग का क्या से क्या मतलब है और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग से क्या मतलब है। तो ये दो मेथड है सैम्पलिंग करने के लिए हमारे पैम सिग्नल को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग पे आते हैं फिर फ्लैट टॉप सैम्पलिंग पे आते हैं आएंगे। नेचुरल सैम्पलिंग बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, उठाओ पल्स सिग्नल को, ये देखो जैसे हमारा एक्सटी सिग्नल है, ये हमारा मैसेज सिग्नल था और ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पल्स ट्रेन है, ठीक है। अब हमें इसको इस कैरियर पे से मॉड्यूलेट करना है, मतलब इस सिग्नल को इस कैरियर पे मॉड्यूलेट करना है, और वो भी पैम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है। तो हम लोग क्या करो, इस सिग्नल को उठाओ और इससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी पल्सेस है, ये हमारी पल्सेस है, पल्स ट्रेन है, इस पल्स ट्रेन
को सीधे सीधे उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये अगर मान लो 1 है, ये 0 है, ठीक। तो इतनी टाइम के लिए कैपिटल टी समझ लो, इस कैपिटल टी टाइम के लिए, कैपिटल टी टाइम के लिए इसका जितना भी मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चा कुचा ये टाइम के लिए ये 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पल्स आएगी इस समय, फिर ये 1 है, 1 और इसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या होगा, जो भी इसका एम्पलीट्यूड है वो उस तरीके से दिखेगा। तो अगर आपका सिग्नल इस तरीके का है और पल्स आपकी कुछ इस तरीके की है, ठीक है, कुछ पल्स स्ट्रिंग इस तरीके की, तो आपका जो नेचुरल सैम्पलिंग होती है ना, तो वो इस तरीके से होती है, लगती है आपको। सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, कुल मिला के बात ये है कि सिंपली आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ये और ये। तो ये हमारा 1 पे रखते हैं, इसको 0 पे रखते हैं, तो ये 1 और इसके एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, तो ये इस तरीके से चेंज होने लगता है। ये जब तक कि ये 1 है तब तक कि ये वाला एम्पलीट्यूड जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा रिजल्टिंग सिग्नल में भी चेंज होगा। फिर जितनी देर के लिए 0 है उतनी देर के लिए ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 आएगा, तो फिर जैसे जैसे ये वैसा सिग्नल चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा ये चेंज होगा, फिर ये जितनी देर के लिए 0 हो जाएगा उतनी देर के लिए 0 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे भी, देखो जो रिजल्टिंग सिग्नल है वो इस तरीके का दिखेगा। इसमें से ये ब्राउन वाला हटा दीजिए, केवल पिंक पिंक वाला देखिए, ठीक है। मैं और अच्छे तरीके से आप इसमें देख सकते हो कि इस तरीके से हमारी थी एक सिग्नल और सैंपल पल्सेस इस तरीके से थे, हम लोगों ने सीधे उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा रिजल्टिंग आउटपुट वेव फॉर्म है वो इस तरीके से दिख रही है। आपको समझ में आ रहा होगा ना? तो नेचुरल सैंपलिंग में ऊपर की जो पल्स है, पल्स ये जो फ्लैट नहीं होती है, देख रहा हूँ ये चीज फ्लैट नहीं है, ये चीज फ्लैट नहीं है, ये चीज फ्लैट नहीं है, है ना। और जो अगला हम लोग तरीका पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा कि ये चीजें फ्लैट होंगी तभी उसको फ्लैट टॉप सैंपलिंग बोलेंगे। और नेचुरल सैंपलिंग में जो इन जो पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो एक पल्स के अंदर भी चेंज हो रहा है, मतलब एक पल्स के अंदर भी आप देखो फ्लैट नहीं है, बल्कि कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है कहीं कम होता हुआ जा रहा है, वो अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिग्नल के अकॉर्डिंग, तभी इसको कहते हैं नेचुरल सैंपलिंग, ठीक है। नेचुरल सैंपलिंग में सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पल्स रेंज से, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको लो पास फिल्टर इसमें इसलिए पास करा ताकि बैंड लिमिट कर लें, है ना। फिर बात तो वही है क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा लो पास होना चाहिए, है ना, और मतलब बेसबैंड सिग्नल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक्सी सिग्नल आ गया, फिर हम लोगों ने पल्स रेंज जनरेटर से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आउटपुट आ गया। तो नेचुरल सैंपलिंग बस ये है, इसमें जो टॉप होते हैं पल्सेस के जो टॉप होते हैं वो वेरी करते हैं इसके अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सटी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी नेचुरल सैंपलिंग है। तो ये हमारा नेचुरल सैंपलिंग है, भले इसमें क्या हो रहा है पल्सेस के जो एम्पलीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो भी हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जो टॉप है, ठीक है। नेचुरल सैंपलिंग एम्पलीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन पल्सेस का साथ साथ में जो टॉप है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और यही अब इसको वापस करने के लिए वही सिंपली हम लोग जैसे लो पास फिल्टर से पास करते हैं वही हमारा रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर होता है, तो हमें वापस डिमॉड्यूलेटेड पैम सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। सैम्पलिंग फिल्म के केस में भी हम लोगों ने देखा था लो पास फिल्टर से पास करा जाता है तो हम लोग वापस आपका जो सिग्नल होता था वो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर लेते थे, वैसे ही इसमें भी है। तो आपका जैसे कि लो पास फिल्टर से आपने पास करा, तो कुछ जैसे अगर ये सिग्नल ये है हमारा पैम सिग्नल जो नेचुरल सैम्पलिंग से आया, तो आपका डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट कुछ थोड़ा सा उसमें इस तरीके से आएगा, कोई बात नहीं, लगभग लगभग हमारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। तो
तो लगभग लगभग हमारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो यही हमारा, इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लो पास फिल्टर से पास कर देते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं। फ्लैट टॉप सैंपलिंग में ऐसे समझो कि इसमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का। अब हम लोग इस ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं फ्लैट टॉप सैंपलिंग में सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं। इसमें हम लोग पहले इसमें पहले तो हम लोग जो भी सिग्नल है उसकी सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग के लिए जो टाइम पीरियड है वो आपको सैंपलिंग थ्योरम से डिसाइड करोगे, है ना, कि कितना टीएस रखना है। तो टीएस जो है पहले हम लोगों ने सिंपली इसकी सैंपलिंग कर ली। तो सैंपलिंग करने के बाद ये इंपल्स आ जाती है, है ना, इस सिग्नल की इंपल्सेस आ जाती है अकॉर्डिंग, और वो उसका उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल। ये हम लोग को पता है, सैंपलिंग थ्योरम हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस सैंपलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंपल्स की ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं। इंपल्स की ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा इंपल्स आ जाती है, इंपल्स ट्रेन बनती है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसकी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर जो ये ब्राउन वाला है वो हट जाएगा, केवल ये पिंक वाली इंपल्सेस होंगी। और इसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे, टीएस जो होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे 1/2W से, ठीक है, वो सैंपलिंग थ्योरम से का यूज करके। फिर हम लोगों ने सैंपलिंग तो कर ली, फिर हम लोग एक पल्स स्ट्रक्चर नेटवर्क से पास करेंगे, ठीक है। पल्स स्ट्रक्चर नेटवर्क से क्या होगा कि ये जो सैंपल है, सैंपल जो इंपल्सेस है, इसको थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए जैसे होल्ड करने से क्या होगा कि जैसे कि आपका ये जो ये ऐसे समझ लो कि जो इम्पल्सेस हैं ये थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाएंगी, है ना, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाती हैं ऐसे। अब जैसे कि ये इसको हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया, इसको हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया, इसको हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया, है ना, जितना भी मैग्नीट्यूड था उसको हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया, ऐसे ही इसको स्ट्रेच कर दिया, ऐसे ही इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच कर दिया, मतलब कि या होल्ड कर दिया, ठीक। तो वही चीज हमारी बन जाती है। तो अब जो देखो, अब आपको लग रहा होगा कि ये इम्पल्सेस नहीं है बल्कि पल्सेस है, है ना। थोड़ी देर पहले क्या थी, खाली इम्पल्सेस थी, पहले आपकी खाली इम्पल्सेस थी जिनको हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए होल्ड कराया, या फिर ऐसे समझ लीजिए पल्स स्ट्रक्चर नेटवर्क से पास करा, जिससे कि क्या हो गया कि थोड़ी देर के लिए आपकी जो है वो समझ लो हम लोगों ने होल्ड कर दिया। अभी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, तो इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करना है, जो इम्पल्सेस हैं जितना मैग्नीट्यूड है उसको होल्ड करना है। तो इसलिए हम लोगों ने होल्ड करा, तो ये जो जितना मैग्नीट्यूड है उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड रहा, तो इतने टाइम पे, अब कितनी देर के लिए होल्ड करेंगे वो मान लो स्मॉल टी टाइम के लिए हम लोगों ने होल्ड करा। तो जो ये स्मॉल टी टाइम है ये हमारा टीएस जो उन्होंने सैंपलिंग टाइम लिया है उससे काफी छोटा होना चाहिए, है ना, स्मॉल टी टाइम की क्या है, जितनी देर के लिए हम लोगों ने होल्ड करा है, ठीक है। तो अब हम होल्ड करेंगे तो उसके बाद पहले देखो, पहले हमारी थी इम्पल्सेस इस तरीके से थी, इस तरीके से इम्पल्सेस थी, ठीक है, चलो चार से ही दिखा दे रहे हैं, चार इस तरीके की इम्पल्सेस थी। अब क्या करा हम लोगों ने, इसको होल्ड कर दिया। अब क्या हुआ कि ये इम्पल्सेस को हम लोगों ने जितना भी मैग्नीट्यूड था इनका उनको हम लोगों ने उतनी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया। तो अब ये इम्पल्सेस जो थी वो क्या हो गई, पल्सेस में चेंज हो गई, जिनका मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि इम्पल्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, तो अब ये पल्सेस का मैग्नीट्यूड भी हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा होगा, है ना। मान लो हमारा मैसेज सिग्नल इस तरीके से था तो यही हमारा, है ना, ठीक, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो अब पल्सेस, एक हमें पल्स ट्रेन मिल गई है जिसका मैग्नीट्यूड जो हो रहा है वो हमारा मैसेज सिग्नल, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो इस तरीके की जो
सैम्पलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, या इसको इसका बनाने के लिए हम लोग सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग फ्लैट टॉप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो जो टॉप होता है पल्सेस का वो बिल्कुल फ्लैट है ना, ये नोटिस करो। और क्योंकि हम लोगों ने बस जितना इम्पल्स के टाइम पे जो मैग्नीट्यूड था उसी मैग्नीट्यूड को रख के हमने थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है। अब भले मैसर सिग्नल का मैग्नीट्यूड जो है वो, इसको अगर यहाँ पे जरा गौर से देखिए, इसको जरा गौर से देखिए, जो हमारा इस शुरुआत में जो था, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो इंपल्स के टाइम पे मैग्नीट्यूड था वही हम लोगों ने होल्ड कर रखा है ना। तो हमारा बिल्कुल रेक्टेंगुलर पल्स मिल रही है हमें, ठीक है। और हमारा भले मैसे सिग्नल का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ इतना, बल्कि इतने ही ड्यूरेशन में इतना बढ़ गया। और अगर हम नेचुरल सैम्पलिंग करते, अगर हम नेचुरल सैम्पलिंग करते तो उसमें देखो क्या होता था, अगर जैसे हमारा ये एक पल्स के अंदर ही जो होता था टाइम, वो जो होता मैग्नीट्यूड जो होता था वो चेंज होता था, है ना, एम्पलीट्यूड जो होता था वो चेंज होता था। और फ्लैट टॉप में देख रहे हो कि हम लोगों ने, फ्लैट टॉप पे देख रहे होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने सैम्पलिंग करी, इस जगह पे 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 सैम्पलिंग करी, बस इतनी जगह पे सैम्पलिंग करी, ठीक है। तो यहाँ पे जब सैम्पलिंग करी तो हमें इतना मैग्नीट्यूड मिला, ये इतनी बड़ी इम्पल्स मिली। फिर हम लोगों ने थोड़े टाइम पीरियड के लिए इसको होल्ड कर दिया, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट ही रहा, जितना मैग्नीट्यूड इस इंपल्स पे था उतना ही है, तभी तो इसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये इंपल्स मिली थी, जब इसको और इसको इंपल्स, इस इंपल्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इतनी बड़ी इंपल्स मिलेगी, तो हम लोगों ने जितना मैग्नीट्यूड था वो हमारा इतना ही रहेगा। फिर अब जब यहाँ पे और इसको, इस इंपल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंपल्स मिलेगी, है ना। तो थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करना तो हमारा यही रहेगा। अब बल्कि ओरिजिनली हमारा नेचुरल से अगर देखें, नेचुरल सैम्पलिंग में तो एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में उतने टाइम पीरियड के लिए एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ठीक है, समझ रहे ना। और इसको बोलते हैं नेचुरल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। देखो भाई, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में हम लोग एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं, देखो पहले हम लोग इसमें सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो हमें ये वैसा सिग्नल है, इसको हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है, तो क्या करेंगे कि पहले इसको सैंपलिंग करेंगे, पहले इसकी सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग करना तुम लोगों को अच्छे से आता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में और उससे भी पिछले लेक्चर में सैम्पलिंग करने पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, उसको एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो हमारा चेंज होता है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको जो है इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे जो इम्पल्स हैं वो, उनका मैग्नीट्यूड जो हो रहा होगा वो हमारा, हमें एक इम्पल्स ट्रेन मिलेगी जिसका मैग्नीट्यूड, जो इम्पल्स हो उसमें जो इम्पल्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। अब जो है इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। अब नेक्स्ट है पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से पास करेंगे, या ऐसा समझ लो छोटे सिंपल भाषा में, अभी मैथमेटिक्स में भी हम लोग जाएंगे कि किस तरीके से करते हैं, है ना, लेकिन अभी अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोले, ठीक है, तो जितना मैग्नीट्यूड अभी इस पल्स का है ना, उतना ही मैग्नीट्यूड अब हम इसको थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब कैसा होगा, देखो अभी इतना मैग्नीट्यूड है, हम लोग थोड़ी देर तक इसको होल्ड कर दिया, अब ये क्या होगा, एक हमारी इम्पल्स जो थी वो पल्स बन गई,
फिर जैसे इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया, 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 ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया, ठीक है, ये हमारा। तो अभी आप देख रहे हो कि जो हमारी जो पहले हम लोगों ने क्या करा कि थोड़ी देर के लिए, अब मान लो जितनी देर के लिए होल्ड करा वो उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो स्मॉल टी, सॉरी खाली टी, स्मॉल टी नहीं, खाली टी से, स्मॉल टी तो टाइम पीरियड को डिनोट होगा, ठीक है, और तो खाली टी और जो सैम्पलिंग करी है उसको हम लोगों ने टी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो खाली टी है, ठीक है, वो जो मतलब कि जो पल्स, ये जो एक इम्पल्स को जो हम लोग पल्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि इम्पल्स को थोड़ी देर, इम्पल्स के मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देंगे तो हम लोगों को, हम लोग क्या हो जाएगा, वो इम्पल्स होगी वही मैग्नीट्यूड थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक पल्स में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही हमारा पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क बोलो या होल्ड सर्किट बोलो, कुछ भी बोलो इसको, तो पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क का यूज करेंगे तो हमारा जो इम्पल्स होगी वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाएगी, इसी को हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया थोड़ी देर के लिए, ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी मतलब बोलने का ही तरीका, ठीक है। तो जो कैपिटल टी है, जो हम जितनी देर के लिए हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे या कितनी देर के लिए इसको होल्ड करेंगे, जो है ना, जितनी जितनी हमारी इम्पल्सेस की विथ होगी, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी हमारी पल्सेस की विथ होगी, हाँ, तो वो जो होगी वो कैपिटल टी की वैल्यू वो होगी सैम्पलिंग टाइम पीरियड से काफी छोटी होती है। इतनी, इतना तो हमें रखना ही है कि भाई इस सैंपल इतनी ज्यादा देर के लिए भी होल्ड ना कर दो कि सैंपल कर, ये हमने मान लो इतनी देर के लिए होल्ड कर दिया वो दूसरे सैंपल में भी घुस गया, है ना, इतना तो हमें नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू जो, क्योंकि अभी हम अगर हम इतने टाइम के लिए जब मान लो इसको होल्ड कर देते तो कैपिटल टी की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी और टी एस इतनी बड़ी, तो दूसरे सैंपल में घुस जाएगा वो, हमें इतना ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें कैपिटल टी की वैल्यू हमें हमेशा जो हमारा ये कैपिटल टी की वैल्यू, इतना बड़ा कैपिटल टी और इतना बड़ा टी एस है दो सैंपल्स के लिए, तो कैपिटल टी की वैल्यू हमेशा टी एस से छोटी रखनी है। इतनी बात समझ में आ रही। फिर नेक्स्ट चीज है, इसको फ्लैट टॉप क्यों बोलते हैं। देखो अगर हम लोग इसमें देखो, अगर गौर से देखो तो जो ये पल्स है, अब ये खाली ये इम्पल्सेस को छोड़ दो, ये पल्सेस को देखो केवल, ठीक है, ये पल्स ठीक। तो जो आप देख रहे होगा कि ये जो पल्स है इसमें जो इस इंस्टेंट पे जो एम्पलीट्यूड था उसी को ही हम लोगों ने स्ट्रेच करा है ना, जो इस इंस्टेंट पे जो एम्पलीट्यूड था वही कोई हम लोगों ने स्ट्रेच करा है, और इनके जो जो पल्सेस का जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट है, इसीलिए इसको फ्लैट टॉप सैंपलिंग बोल रहे हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग वापस चलते हैं नेचुरल सैंपलिंग वाले डायग्राम पे, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि ये इसमें ऐसे ही समझ गए होंगे, कई लोग तो समझ गए होंगे लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ लोग ना समझे इसलिए थोड़ा एक बार और सब बता रहा हूँ कि जैसे कि ये था हमारा नेचुरल सैंपलिंग वाला डायग्राम है ना, और हम लोगों ने मान लो यहाँ पे सैंपलिंग करी, एक बार सैंपलिंग यहाँ पे करी, एक बार सैंपलिंग, सॉरी एक बार सैंपलिंग यहां पे करी, एक बार ऐसे ही करते करते यहां पे, ठीक, एक बार सैंपलिंग, इस तरीके से हमारी पल्स ट्रेन थी, ठीक है। तो हमने यहां पे हमें पल्स मिला, हम लोगों ने इसको आधे टाइम पीरियड के लिए मतलब कि इतना बड़ा हम लोगों ने टी ले लिया है और टी एस हमारा इतना बड़ा है, ठीक है। तो टी हम लोगों ने लगभग टी एस बाई टू ले लिया है, कोई बात नहीं, हमें टी की वैल्यू टी एस से छोटी लेनी होती है, तो हम लोगों ने कैपिटल टी की वैल्यू इतनी बड़ी ले ली है। तो अब देखो जरा इसको, हम लोगों ने इस टाइम पे जो हमें मिला सैंपलिंग करने के बाद इम्पल्स इस तरीके से मिलेगी, इस पे इस तरीके से मिलेगी है ना, फिर इस पे इम्पल्स इस टाइम पे ये मिलेगी, इस पे इम्पल्स इस टाइम पे ये मिलेगी और इस पे इम्पल्स इस टाइम पे ये मिलेगी,
ये इंपल्स हम लोगों ने सैम्पलिंग करने के बाद हुई। अब हम लोगों ने इसको पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से पास करा। पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से तो जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमें सैम्पलिंग के टाइम मिला उसी को ही ये स्ट्रेच करेगा, इसी को ही ये स्ट्रेच कर देगा, इसी को ही ये स्ट्रेच कर देगा, इसी को ही ये स्ट्रेच कर देगा, इसी को ही ये स्ट्रेच करेगा। तो एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है, हमें इस तरीके का सिग्नल मिल रहा है। कुछ इस तरीके का मिल रहा है। ठीक है, इसी को ये स्ट्रेच कर देगा इतनी देर के लिए। तो हमें इस तरीके का सिग्नल मिल रहा है। और जब हम लोग नेचुरल सैंपलिंग कर रहे थे तो इस इन पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। मतलब कि जो एक पल्स के अंदर भी जो एम्पलीट्यूड हो रहा था वो भी हमारा चेंज हो रहा था। बल्कि इसमें जो एम्पलीट्यूड है, अगर हम अलग अलग पल्स का देखें तो उसका एम्पलीट्यूड तो हमारा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब एक पल्स की बात आती है तो एक पल्स का एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है। इसमें जो क्या हो रहा था नेचुरल सैम्पलिंग में, जो एक पल्स के अंदर भी जो चीज एम्पलीट्यूड होता था वो भी वेरी कर रहा होता था। इसमें एक पल्स का जो टॉप है, या ऐसे समझ लो कि इसका, ऐसे समझ लो नेचुरल सैम्पलिंग में जो जो एक पल्सेस की जो टॉप होता था, वो टॉप जो होता था वो आपका चेंज कर रहा होता था, और इसमें जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है। इसीलिए हम लोग इसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग भी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सैम्पलिंग टाइम पीरियड या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वही तरीका है, एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2W, है ना। टी एस हम लोग कैसे निकालते हैं, टी एस मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 2W या एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2W, वही तरीका जो हम लोगों ने डिस्कस करा है, बैंड लिमिटेड सिग्नल हाइएस्ट बैंड विद W। फिर हम लोग लेंथ करते हैं ड्यूरेशन ईच सैंपल की वैल्यू बाई टी। तो टी से लेंथ कर देते हैं, ड्यूरेशन कर देते हैं हर सैंपल की। तो उससे क्या होता है कि वो इम्पल्स जो हो जाती है अब वो पल्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है, ठीक है। अब टी मस्ट बी ग्रेटर देन, वो मस्ट बी स्मॉलर देन टी एस, ये होना चाहिए। ये दो दो ऑपरेशन होते हैं, इसी को हम लोग क्या रिफर करते हैं, सैंपल एंड होल्ड भी बोलते हैं। तभी हम लोगों ने यहाँ पे बोला था सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं फ्लैट टॉप सैंपलिंग में। अब थोड़ा मैथमेटिक्स में आ जाते हैं फ्लैट टॉप सैंपलिंग की, ठीक है। मान लो टी एस सैंपलिंग पीरियड हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। टी एस सैंपलिंग पीरियड हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो हमें पता है सैंपलिंग थ्योरम का यूज करके, है ना इस तरीके से डिसाइड करेंगे। हम लोगों ने एक बार टी एस डिसाइड कर लिया, मान लो डिसाइड कर चुके हैं बदलो। अब हमें एक्स एंड उसकी सैंपलिंग कर ली, तो सैंपलिंग करने के बाद जो सिग्नल आ रहा है उसको हम लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं एक्स एंड टी एस, ठीक है। एक्स एंड टी एस समझ लो एक सैंपल वैल्यू है सिग्नल एक्स टी की, टी इज इक्वल टू एंड टी एस, ठीक। अब जो सैंपल सिग्नल है उसको हम लोग एक्स डेल टी से डिनोट करते हैं, कर देते हैं। चलो एक्स डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स एंड टी एस डेल टी माइनस एन डी एस। ये सब हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपली आपका एक्स टी सिग्नल है ना, इसको हम लोग सैम्पलर में डाल रहे हैं और आउटपुट में जो सिग्नल आ रहा है उसको हम लोगों ने एक्स डेल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो एक्स डेल टी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स एन टी एस डेल टी माइनस एन टी एस। तो अभी हमारा सिग्नल हो गया वो सैंपल हो चुका है। अब अभी हमें इतना काम थोड़ी ना करना है, अब हमें इसको पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से पास करना है। इसको किससे पास करना है, पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से पास करना है, जो जो क्या करेगा इन सैंपल्स, इस इंपल्सेस जो इंपल्सेस हो रही होंगी उनको उनको पल्सेस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उनको पल्स को इंपल्सेस को स्ट्रेच कर देगा, है ना। तो ये पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से जो हम लोगों ने पास करा, तो इसका जो इंपल्स जो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है उसको हम लोगों ने एच टी से डिनोट करा, ठीक है। एच टी से हम लोगों ने इसके इंपल्स रिस्पॉन्स को डिनोट करा। चलिए अब आउटपुट पे जो सिग्नल आ रहा है
उसको हम लोगों ने एस कैपिटल एस टी सॉरी एस टी से डिनोट कर रहा है, सिंपली एस और टी से डिनोट कर रहा है। ठीक, ये हमारा एक्सटेल टी और ये एक्सटेल टी को हम लोग वाई टी से भी यहाँ पे हम लोगों ने डिनोट करा हुआ है, तो इसीलिए वाई टी इक्वल टू यहाँ पे लिख लगता है। वो बस डिनोशन की बात है, कुल मिला के बात ये कि एक्स टी और वाई टी क्या है, इसको सैंपल कर रखा और इसको हम लोग ने यहाँ पे जो आउटपुट आ रखा है आएगा पल्स स्ट्रक्चर से, उसको हम लोगों ने एस टी से डिनोट करा। अब जो पल्स स्ट्रक्चर नेटवर्क है उसको उसका जो इम्पल्स रिस्पांस है उसको हम लोग किस तरीके से लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं जो एच टी है वो एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स होती है, यूनिट एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन टी, इस तरीके की एक पल्स होती है। आपकी एच टी इस तरीके की एक पल्स होती है ना। अब जब ये जो इम्पल्सेस आती हैं यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे इम्पल्सेस आ रही होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो हो रहा होता है वो हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होता है। ये जितनी भी इम्पल्सेस होती हैं वो इस पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से पास होंगी है ना। तो होता क्या है कि ये जितनी भी इम्पल्सेस हैं वो उनका कॉन्वोल्यूशन होता है एच टी से। जब एच टी से कॉन्वोल्यूशन होता है तो हमारी ये जो इम्पल्सेस हैं ये स्ट्रेच हो जाती हैं है ना। जब इन इम्पल्सेस का इससे कॉन्वोल्यूशन होता है एच टी से तो जितनी भी ये इम्पल्सेस हैं वो सारी की सारी स्ट्रेच हो जाती हैं और हमें एक पल्स हमें अब इन इम्पल्सेस की जगह पे क्या मिलता है, पल्सेस मिलने लग शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से तो इस तरीके से कुल मिला के काम होता है। तो हम लोगों ने पहले सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पल सिग्नल इस तरीके से डिनोट करा, फिर उसको पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क से पास करा जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी है, एच टी इस तरीके से होगा जिसकी एच टी एक जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर पल्स है जिसकी ड्यूरेशन कैपिटल टी है। हाँ, और इसकी जो ड्यूरेशन कैपिटल टी हम लोगों ने रखी है वो हमें वो हम इस हिसाब से रखते हैं इस पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क की जो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स में जो ड्यूरेशन कैपिटल टी रखी है वो हम लोग इस तरीके से रखते हैं कि हमें कितनी देर तक स्ट्रेच करना है ना। जैसे कि हमें इसको यहाँ इतना हमें टाइम इतने टाइम के लिए इतने टाइम पीरियड के लिए इसको स्ट्रेच करना है तो हमें मालूम है कैपिटल टी इतना रखना है। तो हम लोग पल्स स्ट्रेचर जो नेटवर्क बनाएंगे तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होगा उसमें उसी हिसाब से कैपिटल टी यानी कि अपर लिमिट उस पल्स की रखेंगे। फिर जितनी भी इम्पल्सेस होंगी वो सारे की सारी इससे कन्वॉल्व होंगी, तो इसके बाद हमारी क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो जितनी भी इम्पल्सेस हैं वो सारी की सारी हमारी पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वाली पल्स का मैग्नीट्यूड होगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उसी अकॉर्डिंग इस वाली पल्स का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और इन जितनी भी पल्सेस होंगी उनका जो ड्यूरेशन होगा वो हमारा कैपिटल टी के बराबर होगा जो कि हम लोगों ने पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क में कैपिटल टी रखा है उस हिसाब से। और सैम्पलिंग टाइम पीरियड मतलब कि दो पल्सेस के बीच का जो टाइम पीरियड पीरियड है वो हम लोग पहले ही डिसाइड करेंगे कि सैम्पलर करते समय से कितना रखना है ना, क्योंकि सैम्पलिंग में ही हमारा टी एस आ जाएगा। और जो पल्सेस का जो जो टाइम पीरियड है ऑन टाइम है, ऐसे कह सकते हो कि जो पल्सेस का जो ऑन टाइम है ना, वो हम लोग कैसे कहाँ से डिसाइड करेंगे, वो हम लोग डिसाइड करेंगे पल्स स्ट्रेचर नेटवर्क का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसमें हम लोग कितनी ड्यूरेशन के लिए पल्स रख रहे हैं उससे हमारा डिसाइड होगा। एस टी हमारी एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स है जिसका यूनिट एम्पलीट्यूड है, ड्यूरेशन कैपिटल टी है। एस टी को हम लोग इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, वन जीरो से टी के बीच है, वन बाई टू जब टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी है और जीरो अदरवाइज। तो आउटपुट में जो हमारी जो इक्वेशन बनेगी आउटपुट होगी एक्स जो वो एक्स ये जो सैम्पल पल्सेज आई हैं जो सैम्पल इम्पल्सेज आई हैं मतलब जो सैम्पल सिग्नल है उसका कन्वोल्यूशन होगा किसके साथ में, एच टी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट में क्या जा रहा है एक्स डेल टी और ये जो हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट फिल्टर है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी है। तो हम लोग टाइम डोमेन बनाने के लिए क्या करेंगे, एस टी इज इक्वल टू एच डेल टी कन्वोल्यूशन विद एच टी करेंगे। तो हम लोगों ने कन्वोल्यूशन का सीधे फॉर्मूला कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स डेल टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, फिर हम लोग एक्स डेल टाउ की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स डेल टाउ की मतलब एक्स डेल टी ये है तो एक्स डेल टाउ क्या होगा, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे टाउ पुट कर दिया, तो एक्स एन टी एस और यहाँ पे टी था तो हम लोगों ने डेल टाउ माइनस एन टी एस
एस टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है, और ये सिग्मा इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी रह गई, ठीक है। अब आप क्या करो कि ये डेल टी माइनस एन टी एस और ये एस टी माइनस टाउ और ये इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन टाउ के टर्म्स में कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी कॉन्स्टेंट, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, और खाली इंटीग्रेशन को यहाँ पे ले आए, ये करेंगे। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करी है, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने वही करा, इसको बाहर ले आए और इंटीग्रेशन में ये आ गया। अब इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कि कैसे करा जाता है? इसमें एक डेल फंक्शन है और एक एस टी माइनस टाउ फंक्शन है, ठीक, और हम लोग टाउ के टर्म्स में कर रहे हैं, तो टाउ के टर्म्स में कर रहे हैं, तो टी टाउ इक्वल टू एन टी एस पे हमारा डेल फंक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, डेल टाउ माइनस एन टी एस इस तरीके का फंक्शन होगा, ये टाउ है, ठीक है, जो मतलब कि जब टाउ की वैल्यू एन टी एस होगी तो ये फंक्शन की एक इम्पल्स होगी। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद, अब आप इससे मल्टीप्लाई करो इस इम्पल्स फंक्शन को और इंटीग्रेट करो, तो क्या वैल्यू आएगी? बस खाली टाउ की जगह पे क्या आ जाएगा, एन टी एस आ जाएगा, तो एस टी माइनस एन टी एस आ जाएगा, ठीक है, एस टी माइनस एन टी एस। कुल मिला के ऐसे भी देख सकते हो ना भाई कि इसको और इसको ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करी है हमने कुल मिला के, और यहाँ पे हम लोग टाउ की जगह पे एन टी एस भी पुट कर सकते हैं, और तब भी आप देखो अगर हम इसमें डेल्टा मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करो खाली, तो इसको आप लोग ये लिख सकते हो है ना, अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो रहेगा ही, ठीक है। अब आपका देखो ये तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें कोई टाउ नहीं बचा, हम लोगों ने क्या करा केवल टाउ डेल्टा फंक्शन से जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, फिर ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल दिया, और जब डेल फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो क्या वैल्यू आएगी, वन, तो वही हमारा ये आ गया एस टी माइनस एन टी एस कुल मिला के आ जाएगा। तो अब लोगों को पता भी होता है यार ये मतलब सिंपली तुरंत ही लिख देते हैं ये, तो ये चीजें जो गेटेड में प्रिपरेशन करते हैं तो उनको तो पता ही होता है, कम से कम इतना तो पता ही होता है डेल्टा फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है और इंटीग्रेशन में क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज पूरी ये बन जाएगी, है। अब आप देखोगे कि ये तो यहाँ पे बन गया, ये हमारी एस टी की वैल्यू आ गई, एस टी की वैल्यू आ गई, तो हमारा पैम सिग्नल को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन, टाइम डोमेन में हो चुका। अब एक बार आप क्या कर दो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर दो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में करने के लिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम लोग ने टाइम डोमेन में शुरू करा था, एस टी इक्वल टू एक्स डेल टी और एच टी का कन्वोल्यूशन करा था, तो एस एफ इक्वल टू एक्स डेल एफ और एच एफ भी होगा। अब सैंपल सिग्नल का अगर आप देखो पिछली क्लासेस में जब हम सैम्पलिंग थ्योरम कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था सैंपल सिग्नल की जो एक्सप्रेशन आती है वो इस तरीके से आती है एफ एस एक्स एफ माइनस टी एफ एस, ठीक है। तो अब आपका ये एक्स डेल एफ की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो ये एक्स डेल एफ की वैल्यू ये यहाँ पे हम लोगों ने ये पुट करी, तो ये हमारा बन गया फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन, या आप कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम बन गया फ्लैट टॉप सैंपल पैम सिग्नल का, मतलब अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर देखें तो ये हमारा स्पेक्ट्रम बन गया, ठीक है। अब ये रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से जाएगा, मतलब कि एक लो पास फिल्टर बना लगा रखा होगा हम लोगों ने, लो पास फिल्टर से रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर सिंपली एक लो पास फिल्टर होगा, तो वो बेस बैंड जब इसमें से क्या क्या कौन सा सिग्नल केवल पास आउट पास होगा, इसमें केवल हम लोग हमारा उसकी लो पास फिल्टर से जो हमारा बिल्कुल एक्सेप्ट जैसे कि हमारा था, अगर एक्सेप्ट हमारा इस तरीके से था, ठीक है, और अगर आप इसमें से देखो इस सिग्नल को देखो तो इस तरीके से हो रहा होगा, है ना, ये जीरो वाला है तो केवल यही वाला सिग्नल हमारा पास हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसमें k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में ये वाला केवल ये वाला सिग्नल पास हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में एच एफ वाला टर्म भी आएगा, मल्टीप्लीकेशन में एच एफ वाला टर्म भी आ जाएगा और इधर से एफ एस भी आ जाएगा,
ठीक है, तो लो पास फिल्टर से इस तरीके से हमारा ये टर्म केबल पास होगा। अब अगली चीज है कि ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से, है ना, इसमें एक एचएफ का टर्म भी आ रहा है। एफएस तो चलो खाली मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत चेंज करेगा, वो उससे कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एचएफ के कारण ये कुछ, क्योंकि एफएस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए वही प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन एक ही प्रोपोर्शनल में होगा, तो उससे उसके कारण कोई मतलब वैसा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एचएफ जो मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये एचएफ का ना तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना तो इसका आर्गुमेंट कांस्टेंट है ना। ये जो एचएफ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है ना ही एचएफ कांस्टेंट है। ये तो चलो एक एफएस एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्सेप्ट पहले यहाँ वन था तो अब की पहले जैसे वन था तो अब एफ एस से मल्टीप्लाई होने की जगह इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एफ एस हो गया, ठीक है। तो उसी के प्रोपोर्शनल है, जो भी मैग्नीट्यूड जितना भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रोपोर्शनल है। तो ये तो सिंपल एक कॉन्स्टेंट चीज है, तो इसको इसके कारण कुछ ना हमारा एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन हो रहा है ना हमारा फेस में डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एच एफ भाई साहब है, ये जो है ये बहुत ही तिगड़म वाला भाई साहब है, इसके कारण एम्पलीट्यूड में भी डिस्टॉर्शन आएगा, फेज में भी डिस्टॉर्शन आएगा, कुल मिला के डिले भी आएगा। अब वो कैसे आ रहा है उसको देखेंगे, और फिर उसको हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलाइजर का यूज करना पड़ेगा रिसीवर साइड में। तो रिसीवर साइड में पहले हमें रिसीवर साइड में कुल मिला के एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का यूज करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर और एक इक्विलाइजर का यूज करना पड़ेगा। दो चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी, तब हम लोग कुल मिला इक्विलाइजर का, इक्विलाइजर क्या करेगा, वो उसका जो गेन होगा, इक्विलाइजर का जो गेन होगा वो हम लोग रखेंगे 1/HF के बराबर। इक्विलाइजर का गेन हम लोग रखेंगे 1/HF, तो क्या होगा कि यहाँ से जितना भी एचएफ आ रहा है, जैसे कि यहाँ मान लो सिग्नल आया था ये एसएफ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास होके मान लो बन गया एफएस एक्सएफ एचएफ, इक्विलाइजर से पास होके क्या बने जाएगा, सिंपली आपका एफएस एक्सएफ। तो कुल मिला के हमें एक्सएफ हमें मिल गया वापस, है ना, ये चीज हो गया, ये हमारा रिसीवर पे काम मतलब हो गया। यहाँ पे तो क्या होगा कि फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल बन गया, अब हम लोग इसको जहाँ भेजना है भेज दिया, फिर रिसीवर पे हमें एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर यूज करा, उसके बाद एक इक्विलाइजर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर में जो हमारा जो एच एफ है वो भी हमारा फिल्टर आउट हो जा रहा है। तो ये जो एच एफ फिल्टर आउट हो जा मल्टीप्लीकेशन में जो फिल्टर आउट हो रहा है ना, तो इसको हमें ये जो क्या करता है हमारा एम्पलीट्यूड फेज दोनों में डिस्टॉर्शन करता है, और इसको हम लोग एक नया टर्म भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपर्चर इफेक्ट। जो हमारा जो एचएफ के कारण जो एम्पलीट्यूड या फेस में जो डिस्टॉर्शन आ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। और ये जो एपर्चर इफेक्ट है इसको हम लोग हटाने के लिए एक इक्विलाइजर का यूज करते हैं, जिसका गेन या ट्रांसफर फंक्शन आप समझ लो 1/HF होता है, ठीक है, 1/HF होता है जिसका ट्रांसफर फंक्शन आपका। तो हमारा क्या हो जाता है कि हमें वापस हमें एक्सएफ के प्रोपोर्शनल आउटपुट मिल जाता है, ये तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है एफएस, ठीक है। तो जो हम लोगों ने लिखा था, देखो एचएफ है, एचएफ एक्चुअल में है क्या, ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है एचटी का, और एचटी हमारी क्या थी, ये थी। तो अब आप इसका 0 से T1 जब एक रेक्टेंगुलर फंक्शन का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एक स्ट्रिंग फंक्शन बनता है ना। लेकिन एक्चुअल में ये जो रेक्टेंगुलर सही में रेक्टेंगुलर इस तरीके के फंक्शन का आप लिखते हैं, है ना, अगर जैसे -T/2 से T/2 इस तरीके के फंक्शन का अगर आप लोगे तो सिंपल एक स्ट्रिंग फंक्शन बनेगा। लेकिन ये 0 से T के बीच में है ना, T/2 से शिफ्टेड है, T/2 से हम लोगों ने इस सिग्नल को अगर हम शिफ्ट कर दें, है ना, तो हमारा एच टी सिग्नल बन जाएगा। ये जो भी सिग्नल है इसको अगर हम शिफ्ट कर दें तो T/2 से शिफ्ट करा तो वही हम लोगों ने एक डिले वाला टर्म आ गया है यहाँ पे। तो e की पावर ऐसे समझ लो J2 pi f minus
टी बाई टू, ठीक है, जे टू पाई एफ माइनस टी बाई टू, तो हम लोगों ने माइनस टी बाई टू से शिफ्ट कर रखा है, शिफ्ट कर रखा है, तो हमारा माइनस टी बाई टू से जब शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये जो बनेगा ये चीज हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है माइनस जे, इसको अगर जे माइनस जे पाई एफ टी को और इस वाले टर्म को हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया है ई एक्स टी जे टू पाई एफ माइनस टी बाई टू, ठीक है। तो इस तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो एच एफ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें जब एच एफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, है ना। तो इसका मतलब हमारा ये तो देखो सिंक फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, सिंक फंक्शन ये है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देखो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये एफ एस कांस्टेंट था उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिंक फंक्शन जो है वो एफ के कारण ये कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। चलो ये टी भी कांस्टेंट है ना, कैपिटल टी ये भी हमारा कांस्टेंट है ना, लेकिन जो सिंक फंक्शन है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो इसके कारण जब ये भी हमारा एक्स एफ से मल्टीप्लाई होगा तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और फिर जब ये वाला टर्म हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें एक्स एफ से तो हमारा डिले भी आ जा रहा है, कैपिटल टी बाई टू का, कैपिटल टी बाई टू का डिले भी आएगा, है ना। तो ये तो हमारा एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन भी हो रहा है और डिले भी आ रहा है कैपिटल टी बाई टू का, तो ये जो डिस्टॉर्शन जो हो रहा है इस पीएम सिग्नल का, पीएम सिग्नल में पीएम सिग्नल के कारण यूज करने से जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो फ्लैट टॉप सैंपलिंग में यूज करने के कारण जो डिस्टॉर्शन हो रहा है इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपर्चर इफेक्ट। इस एपर्चर इफेक्ट को हम लोग करेक्ट करने के लिए एक इक्वलाइजर करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर के बाद एक इक्वलाइजर करते हैं जिसका ट्रांसफर फंक्शन वन अपॉन एच एफ, ठीक है। ये आप एच टी को अगर देखो और उसका जो टी सिंक उसका मैग्नीट्यूड अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले और तो हमारा टी सिंक एफ टी इस तरीके से था और जो आर्ग्यूमेंट है जो हमारा उसका आर्ग्यूमेंट है वो इस तरीके से आपका वो हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमारा टी बाई टू का डिले भी हो रहा है ना, और हमारा एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो भी हमारा चेंज हो रहा है ना एफ के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एफ चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, तो एम्पलीट्यूड में भी डिस्टॉर्शन आ रहा है और पैम सिग्नल का यूज करने से, और साथ साथ में हमारा डिले भी आ रहा है टी बाई टू का, है ना, कैपिटल टी बाई टू का डिले भी आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर इफेक्ट। आई होप मैनी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट चीज़ है बैंडविथ। बैंडविथ हमें पता होती है कि जैसे बैंडविथ हमें यूज़ करनी है तो जितनी भी आपकी बैंडविथ है इस सिग्नल की, जितनी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस सिग्नल की, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम, जैसे कि अगर मान लो एक पल्स है ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी तब निकलेगी भाई, एक आप ये चीज़ देखो जरा, एक आपका पल्स है जिसमें जितना ऑन टाइम है और जितना ऑफ टाइम है ना, दोनों बराबर है, तो उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी उस समय कितनी है, वन अपॉन टू टी है ना। एक हम लोगों ने पल्स ली जिसका ऑन टाइम तो कैपिटल टी ही है लेकिन ऑफ टाइम कुछ और है, टी वन, मतलब कि वो टी जो है आपका टी वन की वैल्यू है वो आपकी टी से बड़ी है ना, ऑफ टाइम ज्यादा है ना। तो हमारा उस समय पे जो इसको एफ वन कर लो, इसको आप इसको एफ टू कर लो, इस समय जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी वन अपॉन टी प्लस टी वन, यही तो होगी क्योंकि टोटल टाइम पीरियड टी प्लस टी वन होगा। अगर आप देखो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब मिलती है हमें जब ये टी और ये टी वन बराबर हो, क्योंकि हम लोग हमेशा टी वन की वैल्यू टी से बड़ी रखेंगे, ऑफ टाइम हमेशा बड़ा रखेंगे या बड़ा, हम हमेशा ऑफ टाइम को या तो बड़ा रखते हैं या फिर उसके बराबर रखते हैं ऑन टाइम के बराबर, है ना। ये ऑफ टाइम को हमेशा ऑन टाइम के से बड़ा या उसके बराबर रखते हैं, ठीक है। अब कुल मिला के हमारा टी एस जो होता है वो हमारा आपके दो
इतना लगभग या तो जो सैम्पलिंग टाइम होता है वो या तो आपका ऑन टाइम के से बड़ा ऑन टाइम के डबल से बड़ा होता है या फिर ऑन टाइम के डबल के बराबर होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें तब मिलती है जब ऑन और ऑफ टाइम बराबर बराबर होते हैं, यानी कि 1/2 t होती है, तभी हमें ऊपर ये मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि हमेशा t+t1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2t होगा, है ना, क्योंकि ts मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2t, t ऑन का मतलब 2t, है ना, और ts की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं t, क्योंकि सैम्पलिंग टाइम में ऑन टाइम होगा और एक ऑफ टाइम होगा, तो t+t1 लिख सकते हैं, तो t+t1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2t होगा, तो 1/t+t1 विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1/2t। तो अगर आप देखो कि ये वाला टर्म हमेशा हमेशा आपका बड़ा होगा या छोटा होगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें तब मिलती है इस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब मिलती है जब हमारा ऑन और ऑफ टाइम बराबर होता है, ठीक है। तो उस समय हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2t होती है। तो ये हमारा यही मैं एक बात यहाँ पे बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी 1/2t होगी। अब आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें इस सिग्नल की पता चल गई, तो बैंडविड्थ हम लोग हमेशा रखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखेंगे तो बैंडविड्थ हम हमेशा 1/2t से ज़्यादा रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि जो टी है, अब हमें बैंडविड्थ हमें इतना पता गया बैंडविड्थ हम लोग 1/2t से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, लेकिन टी जो है वो हमारा टीएस से काफ़ी छोटा होता है ना, टी जो होता है हमारा टीएस से छोटा रखते हैं, और टीएस हमारा 1/2w से छोटा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टी हमारा 1/2w से छोटा है। जब टी हमारा 1/2w से छोटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि 2t हमारा 1/w से छोटा होगा, और 1/2t कह सकते हैं कि हमारा w से काफ़ी बड़ा होगा, है ना, जब हमारा 2t 1/w से छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2t हमारा W से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि बैंडविड्थ जो है वो 1/2t से बड़ी हमें रखनी है, तो 1/2t वो खुद भी हमारा W से बड़ा है, तो हम आप एक मिला के हमारी ये रिलेशन बन जाती है बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2t मस्ट बी ग्रेटर देन W, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें, W क्या होता था हमारा, हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी होती थी सिग्नल XT की, है ना, W से हम लोग क्या डिनोट करते थे, W अब भूल गए होंगे जो लोग उनको बताते हैं, W से हम लोग डिनोट करते थे XT सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, है ना। तो आपका ये कहने की बात हो गई कि बैंडविड्थ जो होती है वो हमारी काफी बड़ी होती है एज कंपेयर टू हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल XT। तो जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमें काफी बहुत बड़ी लगती है पैन सिग्नल को अगर भेजना है, अगर हमें पैन सिग्नल भेजना है तो हमें ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो लगती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल XT। ये हमारा एंड में डिस्कशन निकल के आया पूरा इसमें, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 1/2t होगी, वो भी समझ में आ गया होगा आपको। फिगर ऑफ मेरिट पैन की 1 होती है, स्टैंडर्ड सैम्पलिंग रेंज जो होता है वॉइस सिग्नल का वो होता है 8000, अरे सबको पता है स्टैंडर्ड सैम्पलिंग रेंज लगभग 8000 हर्ट्ज के आसपास ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। और चलो ठीक है, आज के में बस इतना ही रखते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग पल्स टाइम मॉड्यूलेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग पल्स विड्थ और पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिजिटल वाला काम शुरू करेंगे। तो चलो डिजिटल वाला काम, अब फिर एनालॉग पूरा ख़त्म हो चुका है हमारा, रिसीवर हम लोगों ने सब कर चुके हैं, बस खाली एक लास्ट लेक्चर बचा है, वो आपका क्या है, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, और उसके बाद सब डिजिटल शुरू हो जाएगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो हमारा डिजिटल है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पहला कई सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, उसमें हम लोग पहला स्टेप कर चुके हैं सैम्पलिंग, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ रही थी एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में भी,
तो इसलिए हम लोग पहले ही हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्कस कर ली थी पहले। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सबसे पहला जो डिजिटल वाली चीज होती है आपका डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन है उसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन आता है पहला। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है सैम्पलिंग, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पल्स कोड मॉड्यूलेशन जब डिस्कस करेंगे तो बाकी के स्टेप जो उसमें होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर अभी एनालॉग का ही है जिसमें हम लोग पल्स टाइम मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में मतलब कि पल्स विड्थ और पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। आपको ये प्लीज़ अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और अच्छा तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूँ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट करें इस काम के लिए, क्योंकि ताकि मैं और अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊं और आपका आप लोगों की मदद हो सके। ये आपके हाथ में है कि आप सपोर्ट करोगे। कोई अगर आपको फ्री में ट्यूटोरियल दे रहा है, आजकल कोई भी जो होता है वो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से ले रहे होते हैं, कोई 20,000, मतलब कोई भी कहीं भी आप कोचिंग में जाओ तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो कहीं भी कोई भी फैकल्टी आपको लेक्चर देने आ रही होती तो वो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से कोई भी कोचिंग में ऐसे ले, कम से कम मिनिमम इतना लेता है कहीं भी फैकल्टी, कहीं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी लेक्चर देने आ रहा है। लेकिन ये सारा काम मैं फ्री में कर रहा हूँ बिल्कुल अपनी तरफ से, लेकिन मुझे भी मेरी भी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि ये काम और आगे बढ़े, है ना, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। केजरीवाल जी की तरह मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करो तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है, जितना भी कर सके सपोर्ट करने। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या वर्क करोगे, www.afreceptorsform.com पे जाके एक सपोर्ट, ये URL आप सपोर्ट नाम का पेज होगा, या सिंपली आप ये URL अपने ब्राउजर में टाइप करके उसमें बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंशियल सपोर्ट करने के, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, पेपल, फोन पे, गूगल पे, है ना, बहुत सारे तरीके, तो जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ये सब सुनने के लिए, देखने के लिए, झेलने के लिए। कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है, मैं वो वीडियो बदल दूंगा, है ना, मतलब कम से कम उतना पार्ट तो बदल ही दूंगा। और इतना बड़ा बड़ा समझाने में मुझे भी कहीं कहीं कुछ मुँह से गलत निकल जाता कभी कभी, तो हो जाता है ना, तो भावनाओं को समझो, है ना, और कुछ कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बड़ी गलती हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। विद्यानारी दुःखहरणि जगत जननी माता सरस्वती शारदा।